मनकामनेश्वर से नर्मदा यात्रा निकल रही क्या? मनकामनेश्वर मंदिर से हम युवक कांग्रेस के सभी साथी और कांग्रेस पार्टी के सभी साथी एक पदयात्रा का आयोजन किया है। जो पदयात्रा 3 दिवसीय पदयात्रा है हमारी, विजयागंज मंडी देवास विधानसभा के गांव तक वो पहुंचेगी। और इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य जो आज हमारा है वो है देवास नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना की मंजूरी के लिए देवास को पेयजल मिले और 72 गाँवों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो सके, इस मांग को लेकर आज हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा का जो कहना है नौटंकी कर रहे हैं या कांग्रेस नौटंकी कर रही है, तो वो ये उनका विचार है। आज हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देवास की जनता का लाभ हो, देवास की जनता को पेयजल की स्थायी समस्या का हल हो जाए और देवास की जनता को सिंचाई के लिए पानी मिले। और नौटंकी करना, विपक्ष नौटंकी करने का काम बीजेपी का है, जो झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सर्वे होगा और ये होगा। कांग्रेस शासन में इस नर्मदा सिंचाई उद्वहन योजना की मंजूरी डीपीआर बन चुकी है और इस पर केवल मंजूरी शासन को देना है। हम शासन से मंजूरी की मांग करते हैं। आपका नाम बताओ। दिग्विजय सिंह झाला, विधानसभा अध्यक्ष, युवक कांग्रेस देवास।